प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 4 मार्च शुक्रवार। पहला पाठ, नबी इसायस का ग्रंथ, अध्याय 58, पद संख्याएं 1-9 तक। प्रभु ईश्वर यह कहता है, पूरी शक्ति से पुकारो, तुरही की तरह अपनी आवाज़ ऊंची करो। मेरी प्रजा को उसके अपराध और याकूब के वंश को उसके पाप सुनाओ। वे मुझे प्रतिदिन ढूंढते हैं और मेरे मार्ग जानना चाहते हैं, एक ऐसे राष्ट्र की तरह जिसने धर्म का पालन किया हो और अपने ईश्वर की संहिता नहीं भुलाई हो। वे मुझसे सही निर्णय की आशा करते और ईश्वर का सानिध्य चाहते हैं। वे कहते हैं, हम उपवास क्यों करते हैं जब तू देखता भी नहीं? हम तपस्या क्यों करते हैं जब तू ध्यान भी नहीं देता? देखो, उपवास के दिनों में तुम अपना कारोबार करते और अपने सब मजदूरों से कठोर परिश्रम लेते हो। तुम उपवास के दिनों लड़ाई झगड़ा करते और करारे मुक्के मारते हो। तुम आजकल जो उपवास करते हो उससे स्वर्ग में तुम्हारी सुनवाई नहीं होगी। क्या मैं इस प्रकार का उपवास ऐसी तपस्या का दिन चाहता हूँ जिसमें मनुष्य सरकंडे की तरह अपना सिर झुकाए और टाट तथा राख पर लेट जाए? क्या तुम इसे उपवास और ईश्वर का सुग्राह्य दिवस कहते हो? मैं जो उपवास चाहता हूँ वह इस प्रकार है, अन्याय की बेड़ियों को तोड़ना, जुए के बंधन खोलना, पतदलितों को मुक्त करना और हर प्रकार की गुलामी समाप्त करना, अपनी रोटी भूखों के साथ खाना, बेघर दरिद्रों को अपने यहाँ ठहराना, जो नंगा है उसे कपड़े पहनाना और अपने भाई से मुंह नहीं मोड़ना। तब तुम्हारी ज्योति उषा की तरह फूट निकलेगी और तुम्हारा घाव शीघ्र ही भर जाएगा। तुम्हारी धार्मिकता तुम्हारे आगे आगे चलेगी और ईश्वर की महिमा तुम्हारे पीछे पीछे आती रहेगी। यदि तुम पुकारोगे तो ईश्वर उत्तर देगा, यदि तुम दुहाई दोगे तो वह कहेगा, देखो मैं प्रस्तुत हूँ। यदि तुम अपने बीच से अत्याचार दूर करोगे, किसी पर अभियोग नहीं लगाओगे और किसी की निंदा नहीं करोगे, यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 9 वाक्य 14-15 तक। यौहन के शिष्य एक दिन आकर कहने लगे, हम और फरीसी उपवास किया करते हैं, आपके शिष्य ऐसा क्यों नहीं करते? यीशु ने उनसे कहा, क्या जब तक दूल्हा साथ है बाराती शोक मना सकते हैं? किंतु वे दिन आएंगे
जब दुल्हा उनसे बिछुड़ जाएगा उन दिनों वे उपवास करेंगे। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम चालीसा काल में हैं। जैसा कि बार बार बताया जाता है, ये चालीसा काल हमारे लिए आशीषों का समय है, प्रभु की कृपाओं को बटोरने का समय है। विभिन्न कार्यों के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, परोपकार के द्वारा, त्याग के द्वारा, तपस्या के द्वारा, परहेज के द्वारा, तो ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। आज का पहला पाठ इसयास नबी के ग्रंथ के अध्याय 58 से लिया गया था। वहां पर हम पढ़ते हैं, इसयास नबी से प्रभु ने कहा, पूरी शक्ति से पुकारो, तुरही की तरह अपनी आवाज ऊंची करो, मेरी प्रजा को उनके अपराध और याकूब के वंश को उनके पाप सुनाओ। इसराइली जनता ईश्वर से मिलना चाहती थी, ईश्वर को खोजती थी। इसराइली जनता उपवास और तपस्या करती थी, लेकिन वो ईश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं था। इसराइली जनता प्रभु को ढूंढने का तो अभिनय करते थे, लेकिन उनका जीवन प्रभु के वचन से अलग था, भिन्न था। वे प्रभु के आदेशों का पालन नहीं करते थे, मात्र अपनी आवश्यकताओं के लिए प्रभु को ढूंढते थे। लोगों ने कहा, हम क्यों उपवास करें, हम क्यों उपवास करते हैं और प्रभु तो देखता नहीं है, हम क्यों तपस्या करें, प्रभु तो ध्यान नहीं देता है। तो प्रभु क्या जवाब देते हैं, प्रभु जवाब देते हैं, देखो उपवास के दिनों में तुम अपना कारोबार करते और अपने सब मजदूरों से कठोर परिश्रम लेते हो, तुम उन दिनों लड़ाई झगड़ा करते और करारे मुक्के मारते हो, तुम आजकल जो उपवास करते हो इससे स्वर्ग में तुम्हारी सुनवाई नहीं होगी। क्या मैं इस प्रकार का उपवास, ऐसी तपस्या का दिन चाहता हूँ जिसमें मनुष्य सरकंडे की तरह अपना सिर झुकाए और टाट तरह राख पर बैठ जाएं? क्या तुम इसे उपवास और ईश्वर को सुग्राही दिवस कहते हो? प्रभु कहते हैं कि तुम जो करते हो उपवास नहीं है। देखिए, हिंदी में उपवास का अर्थ है उपवास। उप का मतलब है पास, नियर, करीब। वास का मतलब है वास करना। हम उपवास करते हैं ताकि हम प्रभु के करीब बैठ सकें, प्रभु के करीब आ सकें। जब हम अपने शरीर को दुख देते हैं, उपवास करते हैं, उस समय हम प्रभु के साथ जुड़ने का प्रयास करते हैं। लेकिन अक्सर लोग उपवास जरूर करते हैं, उनके लिए उपवास का मतलब है भोजन नहीं करना, पानी नहीं पीना। लेकिन हमारे लिए उपवास का मतलब भोजन ना करना और पानी नहीं पीना नहीं है। हमारे लिए उपवास का मतलब उपवास, प्रभु के साथ जुड़ना, शारीरिक आवश्यकताओं को कुछ दूर रखकर ईश्वर के साथ जुड़ना। इसलिए प्रभु ईश्वर इसराइलियों को उपवास का की एक नई व्याख्या देते हैं। आगे हम पढ़ेंगे, प्रभु कहते हैं, मैं जो उपवास चाहता हूं वो इस प्रकार है। कैसी, कैसा उपवास? अन्याय की बेड़ियों को तोड़ डालो, अन्याय को तोड़ डालो। अगर तुम्हारे अंदर अन्याय है, अन्याय की बेड़ियां तोड़ डालो, जुए के बंधन खोल दो, जिनको तुम बांध के रखे हो खोल दो, आजाद करो, पद दलितों को मुक्त करो, जो दुर्बल है, कमजोर है, दबे हुए लोग हैं उनको मुक्त करो, और हर प्रकार की गुलामी समाप्त कर दो, अपने घर पे, अपने समाज में हर प्रकार की गुलामी समाप्त कर दो, अपनी रोटी भूखों के साथ खाओ। आपके पास रोटी है, आज के लिए है, कई दिनों के लिए, कई महीनों के लिए, कई वर्षों के लिए है, तो चलो कुछ तो भूखों के साथ खाओ। बेघर दरिद्रों को अपने यहाँ ठहराओ, जो भटक रहे हैं उनके लिए कोई स्थान दो, रहने की जगह दो, जो नंगा है उसे कपड़े पहनाओ, परोपकार की बात है, और अपने भाई से मुंह ना मोड़ो, यानी जिनके साथ तुम्हारा मेल मिलाप नहीं है, बात नहीं करना चाहते हैं, उनसे मुंह मत मोड़ो, मेल मिलाप करो। प्रभु इस प्रकार का उपवास चाहते हैं। शारीरिक रूप से भोजन ना करना अच्छी बात है आध्यात्मिक लाभ के लिए,
लेकिन उसके साथ साथ ये भी महत्वपूर्ण है कि वो समय हमारे लिए अनुग्रह का समय हो, प्रेम का समय, करुणा का समय, दया का समय, दूसरों के प्रति सेवा मनोभाव का समय। प्रभु आगे कहते हैं, तब तुम्हारी ज्योति उषा की तरह फूट निकलेगी और तुम्हारा घाव शीघ्र ही भर जाएगा। जब तुम इस तरह का उपवास करोगे, दूसरों की भलाई करोगे, तब तुम्हारी ज्योति फूट निकलेगी, तुम्हारे चेहरे पे चमक आएगी, सच्ची चमक आएगी, तुम्हारी ज्योति उषा की तरह फूट निकलेगी। आगे तुम्हारी धार्मिकता तुम्हारे आगे आगे चलेगी। ये जो भलाई का कार्य तू कर रहा है, इसकी तरंगें आगे आगे चलेगी, सब लोग जान जाएंगे, आगे आगे चलेगी और ईश्वर की महिमा तुम्हारे पीछे पीछे आती रहेगी। जब हम तुम इस प्रकार के कार्य करोगे, परोपकार के कार्य करोगे, तो प्रभु की महिमा तुम्हारे साथ चलेगी, तुम्हारे साथ चलेगी, तुम प्रभु की महिमा में रहोगे। आगे क्या लिखा हुआ, बहुत सुंदर वचन है, यदि तुम पुकारोगे तो ईश्वर उत्तर देगा। क्या उत्तर देगा? यदि तुम मुझे दुहाई दोगे तो वह कहेगा, देखो मैं प्रस्तुत हूं। जब तुम्हारा जीवन तुम्हारे उपवास के योग्य है, तुम्हारा जीवन परोपकार से भरा हुआ, प्रेम से भरा हुआ, दया से भरा हुआ है, तो तुम पुकारोगे तो ईश्वर उत्तर देगा, वरना नहीं। जब तुम पुकारोगे तो तुरंत प्रभु ईश्वर उत्तर देगा, और ये तुम उसकी दुहाई दोगे प्रभु, तो प्रभु कहेगा मैं प्रस्तुत हूं। एक इसकी भाषा है, कौन बोलता मैं प्रस्तुत हूं? क्लासरूम में बच्चों का नाम लिया जाता है तो बच्चा बोलता प्रेजेंट सर, मैं प्रस्तुत हूं। बड़े लोग किसी को बुलाते तो बोलते मैं हूं। ऑफिसर चपरासी को बुलाता है, राजू, बोलता है कि मैं प्रस्तुत हूं। यानी प्रभु ईश्वर, जब तुम इस तरह का जीवन जियोगे, प्रभु ईश्वर स्वयं मानो तुम्हारा सेवक बनकर कहेगा मैं प्रस्तुत हूं। बोलिए, हमें अपने अध्यात्म को परखना है, जानना है। हम कोई ऐसे ईश्वर के भक्त और बच्चे नहीं है जिनको हम ठग सकते हैं पैसा देके, घी देके। हमारा ईश्वर ये हमें सिखाता है, भलाई करो, भलाई करो। और आज के सुसमाचार में भी हमें उपवास के बारे में बताया गया है। वचन में आपने पढ़ा, यौहन बपतिस्ता के शिष्य एक दिन आकर यीशु से कहने लगे, हम और फरीसी उपवास किया करते हैं, आपके शिष्य ऐसा क्यों नहीं करते? यीशु ने उनसे क्या कहा, क्या जब तक दुल्हा साथ है बाराती शोक मना सकते हैं? किंतु वे दिन आएंगे जब दुल्हा उनसे बिछुड़ जाएगा, उन दिनों वे उपवास करेंगे। प्रभु यीशु स्वयं उपवास का महत्व समझते थे। उन्होंने स्वयं 40 दिन और 40 रात उपवास किया था अपने सेवाकारी से पहले। इसके बावजूद अपने प्रतिदिन के जीवन में कई बार उन्होंने उपवास किया था। उन्होंने अपने शिष्यों को उपवास के बारे में भी समझाया था, लेकिन यहां पर प्रभु यीशु उन लोगों को समझा रहे हैं। फरीसी नियम के अनुसार फरीसी हर सप्ताह में 2 बार उपवास करते थे। आपको याद होगा लूकस के समाचार के अध्याय 18 में वो फरीसी सेना तान कर खड़ा होता प्रभु के सामने और कहता है कि मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूं। तो फरीसी लोग सप्ताह में 2 बार उपवास करते थे, लेकिन लोगों ने देखा कि प्रभु के शिष्य इतना उपवास नहीं करते थे। प्रभु यीशु को उदाहरण देते हैं, जो बाराती होते हैं, बाराती जो दूल्हे के साथ रहते हैं, वे बाराती उपवास नहीं करते थे। हालांकि उनका नियम था सप्ताह में 2 बार उपवास करना, लेकिन बाराती लोग इस नियम से मुक्त थे। इसी बात को प्रभु यीशु बता रहे हैं। आगे प्रभु ने कहा, जब दुल्हा बिछुड़ जाएगा उन दिनों भी उपवास करेंगे। वास्तव में यही हुआ। प्रभु यीशु के जाने के बाद शिष्य उपवास किए। प्रेरित चरित्र में आप पढ़ेंगे, जब भी शिष्य किसी के सिर पे हाथ रखकर प्रार्थना किया करते थे, उससे पहले भी उपवास करते थे। सभी लोग उपवास और प्रार्थना में समय बिताते थे, अपने गुरु और प्रभु का अनुसरण करते हुए। तो प्रभु आज उपवास के बारे में हमें शिक्षा देते हैं। ये एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक कार्य है। करीब करीब संसार के सभी धर्मों में उपवास के बारे में बताया गया है।
क्योंकि उपवास के द्वारा जब हम अपने शरीर को पीड़ित करते हैं उस समय हमें आध्यात्मिक लाभ मिलता है। लूकस अध्याय 4:14 में पढ़ेंगे कि प्रभु येसु 40 दिन और 40 रात प्रार्थना करने के बाद गलीलिया पहुंच गए तो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर कर पहुंच गए। निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 34:29 में पढ़ेंगे कि जब मूसा नबी सिनाई पर्वत से नीचे उतर आया नियम की पाटियां लेकर, तो मूसा नबी का चेहरा चमक रहा था क्योंकि वह ईश्वर से बातें कर रहा था 40 दिन और 40 रात उपवास और प्रार्थना करने के बाद। तो उपवास का एक मतलब है, एक अर्थ है, एक उद्देश्य है। ये 40 साल हमारे लिए भी उपवास और प्रार्थना का समय है, लेकिन हमारा उपवास प्रभु के वचन के अनुसार हो, सच्चा उपवास। जब हम प्रभु के और ज़्यादा करीब आएंगे, जब हम एक दूसरे के और ज़्यादा करीब आएंगे, मेल मिलाप का अनुभव करेंगे, शांति का अनुभव करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, इस समूचे 40 साल के लिए धन्यवाद देते हैं। तू अपने भक्तों को इस 40 साल में शुद्ध और पवित्र करता है, उनके जीवन को चमकाता है, उनकी बुराइयों को मिटाकर उनको फिर एक बार एक नया जीवन, आनंद का जीवन, शांति का जीवन जीने के लिए मौका देता है। प्रभु, मैं इस समय विशेष प्रार्थना करता हूँ हमारे भाई बहनों के लिए कि वे तेरे वचनों के अनुसार अपने जीवन में भी उपवास करें, उपवास के द्वारा आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करें, शैतान के हर प्रकार के प्रपंच से बचे रहें। हे माँ मरियम, हमारे लिए प्रार्थना करना। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती।